मैं जरा आपको रोक रही हूँ, क्योंकि इस वक्त अशोक गहलोत की एक बात सामने आ रही है, अशोक गहलोत का एक बयान सामने आ रहा है। कांग्रेस की हार पर अशोक गहलोत ने चौंकाने वाली बात कह दी है। अशोक गहलोत ने कहा कि वोटर भड़क गए इसलिए चुनाव हार गए। तो मोदी जी, अमित शाह जी और जितने नेता आए थे बाहर से, 5-7 मुख्यमंत्री आ गए, पूरा धावा बोला मेरे पर और सरकार पर। उनका टारगेट था, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए थे। मुझे उम्मीद थी कि जनता बदला लेगी उनसे कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, सरकार गिराने का काम कर रहे थे, हॉस्टेडिंग कर रहे थे, जैसे आपने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में करी। तो मैंने कहा जनता बदला लेगी, हो सकता है कि जनता वो बात समझ नहीं पाई होगी सर, जो सचिन पायलट के, और इसलिए मैंने जो उम्मीद की थी कि जनता बदला लेगी इन लोगों से जो लोग हत्यारे हैं, उल्टा हो गया। जो भाषा बोल के वो गए हैं वो भड़काने वाली भाषा थी, तनाव पैदा करने वाली भाषा थी, दंगे करवाने वाली भाषा थी। बार बार कन्हैयालाल का नाम लेना, बार बार जो 370 और 3 तलाक की बात करना, मतलब उनके कोई मुद्दा था ही नहीं। जो वो राजस्थान में हम क्या काम किए हमें, उसकी आलोचना करते, वो उनकी कमियां बताते, खामियां बताते, हमें खुशी होती, बहस उस पर होती, होना वही चाहिए था। चुनाव विधानसभा के हैं, सभी लोग आए भड़का के गए। अब हो सकता है हिंदू और मुस्लिम और जो धर्म की बात ही लोग करते हैं वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जो ध्रुवीकरण हुआ है, लगता है कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ की एक तरफा जीत थी, मध्य प्रदेश में जनता ही लड़ रही थी बीजेपी के खिलाफ में, ये माहौल था।